नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्टेक। एक और टेक वीडियो अपने चैनल पे लेकर आया दोस्तों, और आज की वीडियो है मोटरोला वन एक्शन के बारे में। बट उससे पहले एक जो नया एक्शन हम यहां पर लेकर आए हैं, जो फिलहाल अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सैमसंग गैलेक्सी S10 Plus के रियर कैमरा से हो रही है। सो हो सकता है एक्सपोजर का थोड़े बहुत इशू हो, फोकस का इशू हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, बिकॉज आई कैन नॉट सी इट। मैं सिर्फ ऑन करके आकर बैठ गया हूँ यहाँ पर। सो मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है। सो आप लोग प्लीज जरूर मुझे बताएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लगी सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की रेयर कैमरा से 4K एट 60 FPS। एंड एक और चीज, ये जो है ये स्नैपड्रैगन 855 वाला वेरिएंट है, ना कि एक्सिनॉक्स वाला। सो चलते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। मोटोरोला वन एक्शन इंडिया में लॉन्च हो चुका है, एंड इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस और ओवरव्यू देंगे उस डिवाइस का। एंड बेसिकली और साइड बाय साइड आपको MI A3 के साथ उसका एक कंपैरिजन आपको देंगे, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में दोनों डिवाइसेस को यहां पर लाया गया है। सेम ब्रैकेट है, 14,000 के आसपास दोनों डिवाइसेस हमें देखने को मिल जाती है। सो फटाफट चलते हैं दोस्तों इस वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि दोनों डिवाइसेस आमने सामने कौन एक दूसरे को कितना टक्कर दे पाता है। सो गाइस, जैसे आपको पता ही है, आजकल काफी ज्यादा डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं, एक के बाद एक बैक टू बैक स्क्वायर लॉन्चेस होते जा रहे हैं, एंड इट्स रियली टफ टू डिसाइड कौन सा डिवाइस लेना चाहिए कौन सा नहीं। एंड ज्यादातर अगर हम ये चीज नोटिस करें कि मार्केट में डिवाइसेस आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऐसा यूनिक फीचर दे दिया जाता है उस प्राइस सेगमेंट में, एंड बाकी सब कुछ जो चीजें हैं बिल्कुल नॉर्मल रख दी जाती हैं। सो वैसा ही कुछ मोटरोला वन एक्शन के साथ हुआ है और MI A3 के साथ हुआ है। सो यहाँ पर गाइज, मोटरोला वन एक्शन के बिल्ड और डिजाइन क्वालिटी के बारे में मैं बात करूं तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं बिल्कुल मोटरोला वन विजन जैसा ही नजर आता है, बिल्कुल ज्यादातर कोई डिफरेंस नहीं है। बस रेयर में आपको एक डिफरेंस मिलेगा, ट्रिपल कैमरा और डुअल कैमरा सेटअप, बट अदरवाइज देखने में फ्रंट से और बैक साइड से बिल्कुल सेम नजर आता है। एंड यहां पर आपको फ्रंट में ग्लास दिया गया है एंड रेयर में प्लास्टिक, और इसके कंपैरिजन में MI A3 में हमें जो देखने को मिल जाता है वो एक पूरा कंप्लीट ग्लास स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। आगे और पीछे दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन हमें देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल डिजाइन किसका पसंद आया है वो आप बताइए, बट ड्यूरेबिलिटी परस्पेक्टिव में MI A3 ऑब्वियसली लाइक ग्लास है, आई लाइक ग्लास डिजाइन बेटर देन दी प्लास्टिक्स, बट जो ग्लास डिजाइन होते हैं वो फिंगरप्रिंट मैग्नेट्स बन जाते हैं। सो अगेन इट्स अप टू यू कि आपको डिजाइन यहाँ पर कौन सा बेटर नजर आता है। और फ्रंट में भी मोटरोला वन एक्शन में H2H डिस्प्ले दिया गया है एंड IPX2 की रेटिंग साथ में मिल जाती है, यानी कोई डस्ट प्रोटेक्शन नहीं है, बट आपको यहाँ पर एक तरह की वाटर प्रोटेक्शन मिल जाती है। बेसिकली ड्रॉपलेट्स अगर गिर जाते हैं तो उससे वो प्रोटेक्ट कर सकता है डिवाइस, बट पूरी तरह पानी में इसको नहीं डुबा सकते हैं, स्विमिंग पूल में आप इसको लेकर नहीं जा सकते हैं। बट देन सम काइंड ऑफ ए वाटर प्रोटेक्शन इज देयर ऑन दिस डिवाइस, बट उसके कंपैरिजन में MI A3 में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही लगभग 6 इंच के डिवाइसेस हैं, बट अगर मैं डिस्प्ले पर जाऊं तो IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है मोटरोला वन एक्शन में, और MI A3 में हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। हालांकि ऑलमोस्ट 6 इंच के डिस्प्ले हैं, बट बड़ा डिस्प्ले जो है वो मोटरोला वन एक्शन का है। यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक FHD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है और 460 निट्स की ब्राइटनेस है एंड 432 pixels per inch की आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। अगेन पंच होल डिस्प्ले दिया गया है एज कम्पेयर टू MI A3, जहां पर 6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट जो डिस्प्ले है एक HD+ डिस्प्ले है। जी हाँ दोस्तों, 720p रेजोल्यूशन के साथ हमें ये देखने को मिल जाता है। एंड साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिलेगा MI A3 में, जो थोड़ा सा कॉमन हो गया है। अगेन कई लोगों को वो ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले पसंद आता है कि सेंटर में कैमरा दिया गया है, पंच होल सैमसंग ने स्टार्ट किया था। अगेन वो चीज़ काफ़ी लोगों को पसंद आई थी, सो अगेन पर्सनल प्रेफरेंस यहाँ पर आ जाती है। बट ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी किसकी अच्छी है ये तो टेस्टिंग पर ही पता चलेगा, बट देन ऑन नंबर्स इट सीम्स कि एक फुल HD+ डिस्प्ले है बट एक IPS LCD डिस्प्ले है, वो फिर भी इतना ज़्यादा बेटर शायद ना हो एज कम्पेयर टू सुपर एमोलेड 720p। रेजोल्यूशन ज़रूर कम है उसकी, बट देन अगेन सुपर एमोलेड IPS LCD से एनी डे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करता है, बट देन उसका बैटरी पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस की तरफ अगर हम चलते हैं तो सिस्टम ऑन चिप के बारे में बात करेंगे।
सैमसंग का एक्सिनॉक्स 9609 प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 9 सीरीज का प्रोसेसर हमें सैमसंग का देखने को मिल रहा है इस प्राइस रेंज में। एंड उसके कंपैरिजन में MI A3 में स्नैपड्रैगन 600 सीरीज का 665 जो नया चिपसेट है वो हमें देखने को मिल जाता है बेसिकली MI A3 में। रैम्स और रोम्स की डिफरेंट वेरिएंट्स हैं यहाँ पर, बट मोटोरोला वन एक्शन का 4GB और 128GB का ही एक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला है ऑनलाइन। और उसके अलावा माली G72 MP3 का GPU सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है मोटोरोला वन एक्शन में, और MI A3 में एडिनियो 610 का GPU सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। एक और पॉइंट है मैं यहाँ पर भूल गया था, मैं बताना चाहूंगा, एस्पेक्ट रेशियो भी डिफरेंट है। जो मोटोरोला वन एक्शन है थोड़ा सा लंबा है और चौड़ाई उसकी कम है एज कम्पेयर टू MI A3, क्योंकि 19:9 की एस्पेक्ट रेशियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है मोटोरोला वन एक्शन में। और सॉफ्टवेयर साइड में दोनों में ही एक अच्छी बात है, दोनों ही एंड्रॉयड वन प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, तभी नेक टू नेक कंपैरिजन यहाँ पर मैंने सोचा कि बनाना चाहिए। क्योंकि एंड्रॉयड वन की बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉयड पाई तो इसमें आ ही रहा है, और क्यू और आर की अपडेट्स डेफिनेटली इस डिवाइस में जरूर आने वाली है, दोनों ही डिवाइसेज में। एंड एंड्रॉयड वन में सिक्योरिटी अपडेट्स बहुत फास्ट होती है, एंड अपडेट्स क्यू और आर की जरूर आएंगे इन दोनों डिवाइसेज के लिए। सो प्योर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है, कोई ज्यादा ब्लोटवेयर हमें दोनों ही डिवाइसेज में देखने को नहीं मिलता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं गाइज बैटरी की। बैटरी डिपार्टमेंट में मोटोरोला वन एक्शन बहुत क्लियरली पीछे रह जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो बैटरी देखने को मिलती है 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और सिर्फ 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। जो एक स्टैंडर्ड चार्जर है वही बॉक्स में आएगा, उसके कंपैरिजन में 18 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है MI A3 में, और 4000 mAh की बैटरी हमें देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि MI A3 थोड़ा बेटर बैटरी बैकअप देगा मोटोरोला वन एक्शन से, क्योंकि उसकी एंड्योरेंस रेटिंग भी काफी कम आई है टेस्ट में। एंड इवन दोनों में ही आपको टाइप सी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, USB टाइप सी पोर्ट हमें दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिल जाता है। सो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। सो मोटोरोला वन एक्शन का जो नाम पड़ा है वो बेसिकली एक ऐसा फीचर जो डाला गया है मोटोरोला वन एक्शन के अंदर, कि यहाँ पर जो तीसरा एक कैमरा दिया गया है वो बेसिकली जैसे गोप्रो काम करता है वैसे ही कुछ तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें जो बेसिकली सेंसर की ओरिएंटेशन है वो 90 डिग्री टिल्ट कर रखी है। सो यानी कि अगर आप इस डिवाइस को वर्टिकली खड़ा करके रखेंगे, यानी पोर्ट्रेट मोड में रखेंगे, तो भी जो वीडियो वो शूट करेगा वो एक लैंडस्केप मोड में आएगी। सो वो एक ऐसा नया फीचर है जहां पर उन्होंने EIS को भी दिया गया है, एंड एक तरह से एक्शन कैम जैसे गोप्रो है वैसा ही कुछ फीचर, एक यूनिक फीचर एड करने की कोशिश की है इस डिवाइस के अंदर। अगर हार्डवेयर वाइज अगर मैं बात करूं दोनों डिवाइसेस के अंदर, दोनों डिवाइसेस में ही ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिल जाता है। जो मेन सेंसर है मोटोरोला वन एक्शन में 12 मेगापिक्सल का सेंसर है विद एफ बाय 1.8 अपर्चर, एंड 1.25 माइक्रोमीटर का इसका पिक्सल साइज है, एंड फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ आता है। और उसके कंपैरिजन में 48 मेगापिक्सल का सेंसर हमें देखने को मिल जाता है, द इन फेमस IMX586 का वही सेंसर जो काफी डिवाइसेस में आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर जो सेंसर साइज है वो बेसिकली 0.8 माइक्रोमीटर का है, एंड अगेन फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस हमें यहां पर भी देखने को मिल जाता है। और दोनों में ही जो सेंसर लगा रखे हैं अल्ट्रावाइड सेंसर्स दिए गए हैं जो यूज होते हैं जैसे मोटोरोला वन एक्शन में, उस स्पेसिफिकली वो वीडियो के लिए दिया गया है, वो 16 मेगापिक्सल का सेंसर है विद f/2.2 अपर्चर, एंड 8 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है विद f/2.2 अपर्चर। अल्ट्रावाइड लेंस हमें जो देखने को मिल जाती है वो है MI A3 में। एंड तीसरे कैमरा सेंसर के बारे में बात करें तो मोटोरोला वन एक्शन में जो तीसरा सेंसर है वो एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, सेम डेप्थ सेंसर हमें MI A3 में मिल जाएगा बट उसका पिक्सल काउंट 2 मेगापिक्सल का है। और सेल्फी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें गाइस तो MI A3 में हमें एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, वाइड एंगल कैमरा है f/2.2 अपर्चर के साथ आता है। और उसके कंपैरिजन में मोटोरोला वन एक्शन में 12 मेगापिक्सल का एक वाइड सेल्फी कैमरा देखने को हमें मिल जाता है विद f/2.2 अपर्चर। सो दोनों डिवाइसेस की प्राइसिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, 14,000 के आसपास लॉन्च किया गया है, बट मोटोरोला वन एक्शन में जो 14,000 में जो वेरिएंट हमें देखने को मिलता है 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाता है। सो आई थिंक मोटोरोला वन एक्शन ओवरऑल मुझे थोड़ा सा बेटर नजर आता है MI A3 से, बट देन जो एक चीज एक डिपार्टमेंट जो मुझे सबसे ज्यादा वीक लगता है वो है बैटरी डिपार्टमेंट, ना ही फास्ट चार्जिंग है और बैटरी साइज भी काफी ज्यादा छोटी दी गई है, हालांकि जो डिस्प्ले का साइज है 6.5 इंच का है। सो वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो
पूरे ओवरऑल डिवाइस को वीक करता है। और पर्सनली मुझे अभी ऐसा लगता है कि मोटोरोला वन एक्शन को फेयरली प्राइस किया गया है एज कम्पेयर टू MI A3 मुझे ओवर प्राइस लगा। आई थिंक MI A3 को लॉन्च कर दिया जाना था करीब करीब 12,000 के आसपास या 11,000 के आसपास लॉन्च करना चाहिए था, एंड मोटोरोला वन एक्शन 13,000-14,000 के आसपास ठीक है, क्योंकि स्नैपसंग का एक्सिनॉक्स की 9 सीरीज का प्लेटफॉर्म वाला हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो फेयरली काफी बेटर परफॉर्म करता है, बट देन अगेन बैटरी डिपार्टमेंट काफी ज्यादा वीक है मोटोरोला वन एक्शन। सो ये था गाइज मोटोरोला वन एक्शन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ओवरव्यू और एक कंपैरिजन MI A3 के साथ। बताएगा इस वीडियो को हमने रिकॉर्ड किया है S10 प्लस के रियर कैमरा से, कैसी लगी ये फुटेज जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और इन दोनों डिवाइसेस के बारे में भी क्या सोचते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।